मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ द्वारा पुलिस कर्मियों का सम्मान किया जा रहा है। कोरोना योद्धा के रूप में आरआई पुरुषोत्तम बिश्नोई को सम्मान पत्र सौंपकर सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला के नेतृत्व में संघ के सदस्यों ने पुलिस लाइन पहुंचकर आरआई बिश्नोई का सम्मान किया। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के संरक्षक राजेंद्र पारासर ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में उच्चाधिकारियों के साथ पुलिस कर्मचारियों ने नागरिकों की जो सेवा की है वह सराहनीय है। मीडिया संघ जिला प्रवक्ता निर्मल गंगवानी ने बताया कि बीएस पटेल बीडी परिवार के सौजन्य से यह प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। बिश्नोई ने संघ का आभार जताया। इस मौके पर संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। खंडवा से ब्यूरो की रिपोर्ट। कौल साहब, आप खंडवा में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। खंडवा की पुलिसिंग प्रणाली के अलावा अब आप ट्रैफिक व्यवस्था भी देख रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में आप में हमने पुलिस की वर्दी के अलावा एक मानवीय चेहरा भी देखा, तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये निश्चित रूप से ये जो काल था वो सभी के लिए बहुत बड़ा एक विभीषिका थी, और एक एकदम से जो आपत्ति जो ये विपत्ति आई सबके सामने, तो उसको कैसे संभाला जाए, तो उस समय लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे। तो आप लोगों के माध्यम से, हमारे पुलिस के माध्यम से, सबके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, और उस समय इतना लोग डरे हुए थे तो बिल्कुल घर में ऐसे दुबक गए थे। तब आप लोगों ने ऐसे लोगों की, मैंने तो देखा था, हम लोग तो ठीक है, हम लोगों का काम ही है ये कि लोगों की सेवा करना, लेकिन उस समय जो आप लोगों का जो जज्बा हमने देखा था, लोगों को जो भूखे लोग थे उनको खाना खिला रहे हैं, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मतलब सेवा जो आप लोगों ने की है। ठीक है, आप लोगों ने हमारा आकलन किया है, लेकिन हम लोगों ने भी आप लोगों का आकलन किया है, और आप लोगों ने हमको इसलिए समझा कि आप लोगों ने हमारे काम को देखा है और हमने आपके काम को देखा है। ये तो पुलिस विभाग का बड़प्पन है और आपका भी बड़प्पन है, लेकिन अब जो तीसरी लहर शुरू हो रही है, इसकी क्या तैयारियां हैं पुलिसिंग व्यवस्था में? अब इसकी तैयारी, हालांकि अब सभी लोग इस जो बीमारी है इससे परिचित हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी लोग जो है अभी भी लापरवाहियाँ बरत रहे हैं। जैसे अभी चूंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक, अब फिर से दोबारा ये बढ़ने जो तीसरा चरण है ये बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये सभी को सजग रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है, मास्क लगाना है, और वही आप करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी से ज़्यादा हम लोग लड़ पाएंगे, और डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता और सुरक्षा को अपनाना है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मध्य प्रदेश मीडिया संघ खंडवा और खंडवा पत्रकार संघ ने आपको सम्मानित किया, तो इससे और किस तरह की प्रगाढ़ व्यवस्थाएं और मजबूत होंगी? पुलिस के जो जमीनी स्तर के कर्मचारी हैं उनको किस तरह से और हौसला बढ़ेगा? निश्चित रूप से जब हम काम करते हैं और हमारे काम को सराहा जाता है और उसके बदले हमको सम्मान मिलता है, तो निश्चित रूप से हमारा और जितना जो हम जब फिर पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने कहाँ कमी की थी, तो उन कमियों को भी हम दूर करने का प्रयास करते हैं और नया हौसला मिलता है। और आप जैसे लोग जब हमारे हम लोगों के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है, समाज में वो मैसेज जाता है कि नहीं, जब आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग ऐसे हैं कि जो निष्पक्ष हैं, आप लोग किसी के कहने पर अच्छा नहीं लिखते हैं या बुरा नहीं लिखते हैं, जो आपको दिखता है, जिसको लगता है कि ये समाज के बीच जाना चाहिए बात, वो जाती है। तो निश्चित रूप से अगर आप लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, पुलिस का सम्मान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समाज में भी जाएगा, उन लोगों के प्रति भी हम लोगों का सम्मान बढ़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।